अस्सलाम वालेकुम जी। आज है सैटरडे आफ्टरनून। मैं उठी, मेरी दोस्त का फ़ोन आया हुआ था। हम लोग वीकेंड्स पे कैचअप कर लेते हैं क्योंकि वी ऑल वर्क एंड आई एम ऑन अ मिशन। अभी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी और ये है मेरा कमरा, जो कि मेरे ख्याल में मैं हर जगह पे यही कहती हूँ कि मैं आपको तफसील से बाद में बताऊँगी और वो बात कभी भी नहीं आती। सो दिस इज़ माई रूम एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ माई रूम। सो वैन वी बॉट दिस हाउस, ये दो अलग कमरे थे, ये एक अलग कमरा था और ये अलग कमरा था। तो हमने यहाँ पे पहले वॉकिंग वार्डरोब बनाई फॉर फ्यू ईयर्स एंड नाउ दिस इज़ द एरिया वी पुट आवर बेड एंड दिस इज़ माई वार्डरोब एरिया। सो यहाँ पे सारे मेरे बैग वगैरह और अलमारियाँ हैं और भी थोड़ा कबाड़ खाना है, जूतों की दुकान है इसके अंदर, जो कि अभी काफ़ी बेतरतीब हुई होगी। इट्स नॉट टू बैड एक्चुअली। सो यहाँ पे शूज़ वगैरह हैं, तो ये मैंने कर दिया। तो नाउ वी आर रीडेकोरेटिंग दिस रूम और गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ ड्रामा बिकॉज बहुत हो गई सफ़ेद दीवारें और पेंटिंग्स। तो अभी कुछ डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी वो ये कि अब की दफ़ा मैंने ये ऊद ख़रीदा, मैं जब पाकिस्तान गई थी, सतरंगी बनैनजा। एंड ये मैं जब लगाती हूँ तो हर कोई पूछता है कि कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, मतलब ये गुची शूची मूची को पीछे छोड़ दिया इसने। दिस इज़ हाउ अमेजिंग। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी जाऊँगी फिर बैग भर के लेके आऊँगी। तो आप लोग भी ट्राई करें इसको। और ये मेरे हार हैं कलेक्शन सालों की। सो हम अभी जा रहे हैं स्टोर B&Q, जहाँ पे पेंट्स वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ से हम पेंट्स लेने जा रहे हैं। ये साथ छोटा सा बाथरूम है। यहाँ पे कमरों के साथ बाथरूम होना एक बहुत बड़ी लग्जरी है, आम बात नहीं है। तो ये बाथरूम जो है मेरे दिल के बहुत अजीज़ है क्योंकि सुबह नमाज वगैरह पढ़ने के लिए बड़ी आसानी होती है। बिस्तर में से गिरे और बाथरूम में गिरे और वुजू किया और उधर नमाज पढ़ी और फिर दोबारा गिर गए। सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। ओके, वी आर गोइंग नाउ टू B&Q, माय फेवरेट स्टोर, टू सेलेक्ट द पेंट। और मौसम जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी 2 मिनट पहले इतनी सख्त धूप निकली थी और अभी जो है वो बारिश। और आप सोच रहे होंगे कि कितनी शो ऑफ उसने ग्लासेस लगाए हुए। नहीं, इट्स नॉट दैट। मैं लेंस पहनती हूँ और मेरे लेंस जो है वो बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ये एज अ प्रोटेक्टर इनको पहन लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी विंडी। तो चले मैं आप लोगों को स्टोर लेके चलती हूँ। और मौसम ऐसे तो बड़ा ग्लूमी सा हुआ है और 2 मिनट में फिर धूप निकल आएगी, मुझे ये पता है। सी यू इन द स्टोर। My favorite part. अच्छा जी, हमने ये लिए पौधे, पौधे हमने लिए छोटे छोटे प्लांट्स। और ये अब हम आए हैं अपने टाउन सेंटर, ये ताज ग्रोसर। आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, वो जो दिखाई थी वो डिफरेंट ब्रांच थी, ये डिफरेंट ब्रांच है। और यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं देसी। यहाँ पे हम आए हैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा जी, ये अब मैं अपने लोकल बूट्स जो फार्मेसी है यहाँ पे, मैंने कुछ मेकअप का सामान लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी जी। वाइल आई एम वेटिंग फॉर माय हस्बैंड इन द कार, मैं आपको दिखाऊँ मैंने क्या लिया। मेरे ये हेयर स्प्रे मेरा ख़त्म हो गया था और मेरा ये मूस ख़त्म हो गया था। एंड बीबी क्रीम मैंने ली बिकॉज जोन सी फाउंडेशन मैं मैक की यूज़ करती हूँ वो यहाँ पे नहीं थी। सो आई जस्ट थॉट के मैं जब उस तरफ जाना होगा तो मैं ले लूँगी, बट बीबी क्रीम इज़ गुड फॉर नाउ। ट्वीज़र का मैंने सेट लिया एंड ये मैंने छोटी सी शॉपिंग की। और अभी हम घर जा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी घर जाके मेरी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। जी, जैसा कि मैंने कहा था, धूप निकल आई है और जब धूप निकलती है तो हर चीज़ गंदी लगना मुझको शुरू हो जाती है, मुझे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं।
और ये मैंने हमने डिसाइड किया कि आज हम ये जब मैं शुरू शुरू में यहाँ आई थी ना, आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी ना आप लोग ये ना कहिएगा ओ हो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है और ये है और वो, पर इसको ना मैं पेंडू चिकन बोला करती थी। हम भी पेंडू ही हैं, हमारा भी गांव से ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोग हैं ना वो बहुत रवायती हैं, वो 40 साल पहले जहाँ आए थे वो वहीं रुके आए हैं। अब न्यू जनरेशन थोड़ी थोड़ी निकली है, तो मैं जिस दावत में जाती थी ना तो ये रोस्ट होता था, उसको ये लोग रोस्टर कहते हैं, तो ये रोस्ट आज मैंने बहुत दिल किया। ये शान वालों का थोड़ा सा डिफरेंट होता फ्लेवर, सो ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, ये हम खाएंगे। और जनाब यहाँ पे जो है वो मिशन पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। मनीम हाउ आर यू डूइंग, वरना से हेलो टू माय व्यूअर्स। अच्छा जनाब सलाम करें, हेलो क्यों किया है, गुनाह मिलता है, सलाम करें। अच्छा, और ये पहला जो है वो लग चुका है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह से, दूसरे की तैयारी है। अच्छा ये दोनों तो बहुत अच्छे से फिट हो गए इस मैक्रोमे में, लेकिन वो जो है ऑरेंजेस वाला वो दैट्स टू टॉल, उसको हम वैसे ही रहने देंगे, अभी हम तीसरा प्लांट लेके आएंगे इंशाल्लाह यहाँ के। काम ख़त्म करके भाग के आई हूँ नीचे, और मेरे हस्बैंड लव समोसे एंड रोल, तो ये मैं बना रही हूँ हमारे लिए अफ्तारी के लिए। और यहाँ पे मैं आज दिल कर रहा है कि मैं आलू कचालू, एक हम बचपन में बनाया करते थे, आलू होते थे उबले हुए और उनकी चाट होती थी, तो मैं आलू और चने को उबाल के, चने कटिन है वो, मैं अचार बनाऊँगी और फ्रूट चाट बनाऊँगी, और बस ये हमारा खाना होगा, क्योंकि हमारा जो डिनर है वो अफ्तारी ओ सहरी होता है। अच्छा जी, डन ना डन, पहनो तो पहनो, कोई याद आया आपको? राहत होती थी ना। एनीवे हम बड़े इंजॉय करते थे उनको। तो ये जनाब दही आपके जो बड़े थे वो धुल के दही में जा चुके हैं, प्रेजेंटेशन इनकी होगी इसलिए भी आप लोग इसकी अनटाइडीपन पर, मैं बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि सजाती फिरूँ, अदरवाइज आई एम वेरी मच इन टू प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी जो है एंड आई डिसाइडेड कि ये जो मैं आलू और चने उबाल रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पुट देम, बहुत गतावा सा बन जाएगा, तो इसको मैं अलग से आलू को चालू बनाऊंगी। एंड दिस इज़ माई फ्रूट चाट, मैं फ्रूट चाट में चीनी नहीं डालती, जो लोग चीनी डालते हैं मैं, मुझे बड़ी तशवीश होती है उनके बारे में, वो क्यों करते हैं, फ्रूट ऑलरेडी इतना मीठा होता है, बट हम लोग ये डेट्स डालते हैं, मेरे हस्बैंड को बड़ा, मैंने एक दिन डाला एंड ही रियली लाइक द फ्लेवर। और दूसरे मैं ये करती हूँ कि मैं ऑरेंज जो है ना, ये मेरी दोस्त ने मुझे एक दफ़ा बताया था, बहुत एक दफ़ा का जिक्र है, लॉन्ग टाइम अगो, जब से मैं ये जूस दो तीन ऑरेंज स्क्वीज कर देती हूँ तो उससे बड़ी एक अच्छी मज़े की चाट जो है वो बनती है। और यस, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी 20 मिनट रह गए हैं, मैंने जो ओवन में रख दिए थे वो जो बनाए थे मैंने रोल वगैरह, वो मैंने ओवन में रख दिए थे कि ज़रा गर्म रहें, और इस वक्त माहौल यहाँ का ये है कि कैंडल ऑन हो जाती है, ये वाकई में ऑन हो जाती है। और ये मेरा आज लाल शरबत पीने का दिल कर रहा था, ये मेरे हस्बैंड का है दूध रू अफज़ा, और आई लाइक टू वॉच और जस्ट लिसन, इवन नॉट इवन वॉच, क्योंकि आज मुझे लग रहा है बैठ के तस्बीहों का टाइम नहीं होगा, काम मेरा देर से ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे अजान वगैरह होती है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मेरी रमज़ान की लाइट्स हैं जिनकी के इस वक्त बैटरी ख़त्म हो चुकी है, आई नीड टू स्विच देम ऑन। और जनाब ये है सूरत हाल इस वक्त, गोइंग बैक इन टू किचन। अच्छा जनाब ये जा रही है समोसों की बास्केट, और ये टेबल माशाल्लाह से सेट हो गई है, ये दही बड़े और ये इस पे जो मीठी चटनी है ये मैं घर पे बनाती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी फूफो की रेसिपी है, नहीं सबसे बड़ी की नहीं है, उनको मैं क्यों क्रेडिट दे रही हूँ, नंबर दो नजम फूफो की है, और ये मीठी चटनी होती है बहुत मज़े की होती है, आपको तरकीब चाहिए तो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, फिर मैं नजम पप्पू से इजाज़त लेके आपको दूंगी। और ये आलू कचालू कम और चाट ज़्यादा बन गई, फिर मैंने चने का भी एक टिन डाल दिया, और
और सलाद भी मैंने कैसे बनाना है पेट में चला जाए। एंड दिस इज़ माई फ्रूट चाट। और जनाब अब बस हम बैठेंगे उधर टीवी की तरफ और बैठ के तस्बीह पढ़ेंगे। किचन जैसा कि मैं आपको बयान किया था मैंने शुरू के ब्लॉग में कि मुझे किचन ज़रा साफ़ चाहिए होता है, बस बहुत अभी भी साफ़ नहीं हो, बट लेकिन ये है कि खाना खाने के बाद अजीब वफात सी होने लगती है, डेथ्स हो जाती हैं खाना खाने के बाद। तो डिश वॉशर में सब कुछ डाल के अपना रख दिया है और अब हम मज़े से यहाँ पे बैठ के दुआएं करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े मुबारक करें, हमारी इबादतें कबूल करें और हम सब के रिस्क में, हम सब के रिश्तों में बरकत डाले। और आप सब लोग मेरे बेटे को, हमको, मेरी बहू को, मेरे माँ बाप को, मेरी दादी को, सबको दुआ में याद रखिएगा। بسم الله